पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान जिनकी बीवियों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये चंद एक पाकिस्तानी सियासतदानों की ऐसी बीवियां हैं जिनके सामने बड़ी बड़ी अदाकाराएं और मॉडल कुछ भी नहीं हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों की 5 खूबसूरत तरीन बीवियों के बारे में बताएंगे कि हमारे सियासतदान कितने शौकीन हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जरताज गुल वजीर। जरताज गुल वजीर के नाम से कौन वाकिफ नहीं। इनका शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत और बासलाहियत सियासी खवातीन में होता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं और इस वक्त स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके शोहर भी एक सियासतदान हैं? जी हाँ दोस्तों, इनके शोहर का नाम हुमायूं रजा खान अखवंद है। ये भी एक सियासतदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। नंबर 2, आयला मलिक। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम आयला मलिक का है। ये मैडम भी एक मीडिया पर्सनालिटी हैं और साथ ही साथ अपना एक खास सियासी मकाम भी रखती हैं। ये पुरकशिश हसीना भी पीटीआई में शामिल हैं और ये 2002 से लेकर 2002 तक कौमी असेंबली की मेंबर भी रह चुकी हैं। आपको बताएं कि आयला मलिक के शोहर का नाम सरदार यार मोहम्मद रिंद है। सरदार यार मोहम्मद रिंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के मौजूदा सदर, साबिक MNA और मुशरफ के दौर के फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सरदार यार मोहम्मद रिंद इस वक्त वजीर आजम इमरान खान के काबीना का हिस्सा भी हैं और खुसूसी मुआवन भी हैं। सरदार यार मोहम्मद रिंद और आयला मलिक की शादी खुफिया तौर पर हुई थी लेकिन बाद में इस बात का एतराफ कर लिया गया। नंबर 3, आयशा अहद मलिक। दोस्तों, ये हैं आयशा अहद मलिक। ये नून लीग के साबिक रहनुमा और MPA अहद मलिक की साहबजादी हैं। आयशा अहद की पैदाइश 14 अक्टूबर 1982 को इस्लामाबाद में हुई थी। ये प्रोफेशन के हिसाब से एक बिजनेस वुमेन हैं। आपको बताते चलें कि ये साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साहबजादे और PML नून के लीडर हमजा शहबाज की बीवी हैं। इनकी शादी कब, कहाँ और कैसी हुई ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन आयशा अहद इकरार कर चुकी हैं कि हमजा शहबाज उनके हकीकी शोहर हैं और दूसरी जानिब हमजा शहबाज इस बात की तरदीब करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आयशा अहद और हमजा शहबाज की ये तस्वीर इनकी शादी का मुंह बोलता सबूत हैं। आयशा अहद का कहना है कि उनकी हमजा शहबाज के साथ शादी 2010 में हुई थी। नंबर 4, डॉक्टर हिरा शफक। दोस्तों, इनका नाम डॉक्टर हिरा शफक है। नाम से तो ये एक डॉक्टर नजर आती हैं, लेकिन पेशे के लिहाज से ये एक एंकर हैं। ये सरकारी चैनल PTV से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पर ये कैपिटल व्यू के नाम से एक टॉक शो होस्ट करती हैं। आपको बताते चले कि ये पुरकशिश एंकर खातून मुस्लिम लीग नून के रहनमा और साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा सात रफीक की अहलिया हैं। डॉक्टर हिरा शफक के साथ ख्वाजा सात रफीक की ये दूसरी शादी थी जो कि खुफिया तौर पर अंजाम पाई थी। लेकिन इस शादी का बांडा तब फूटा जब 2018 के इंतखाबात में सात रफीक ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स पर अपनी दूसरी शादी का एतराफ किया था। नंबर 5, मदीहा नकवी। दोस्तों, लाहौर से ताल्लुक रखने वाली ये है मदीहा नकवी। ये इंतहाई खूबसूरत और इंटेलिजेंट खातून न्यूज एंकर हैं। इनके वालिदे मोहतरम का नाम सैयद निसार हुसैन नकवी है। मदीहा नकवी इस वक्त ARY न्यूज चैनल पर काम कर रही हैं और अपना मॉर्निंग शो बाखबर सवेरा होस्ट कर रही हैं। आपको बताते चलें कि ये दिलकश खातून एंकर मशहूर सियासतदान मुतहदा कौमी मूवमेंट के रहनमा और साबिक MPA सैयद फैसल सब्जवारी की बीवी हैं। इनकी शादी भी खुफिया हुई थी लेकिन इनकी तस्वीर लीक होने के बाद इनकी शादी का राज सबके सामने खुल गया। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी सियासतदानों की खूबसूरत तरीन बीवियां। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।